ये है आपका बॉर्डर, जो फेंसेस नज़र आ रही हैं बीच में, उसके अक्रॉस इंडिया है और इस वक्त हम यहाँ पाकिस्तान में हैं। नहीं, दूसरी गाड़ी कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जिन्होंने पिछली मेरे इस ट्रिप की पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अभी तक का जो सफ़र है वो हमारा नगर पार्कर तक हो चुका है, यानी कि हम सब पहुँच चुके हैं नगर पार्कर। नगर पार्कर तक जब हम पहुँचे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अगर आप अपने साथ DSLR कैमरा, लैपटॉप या हार्ड डिस्क वगैरह ऐसी कोई चीज़ ला रहे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे मौजूद रेंजर सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया में आप ये तमाम चीज़ें नहीं लेकर आ सकते। सबमिट करा दीजिए, वो आपकी ये चीज़ें रख लेंगे और वो आपको एक स्लिप दे देंगे जो आप वापसी में दिखाकर अपने सामान को ले सकते हैं। ये लाजमी इन्फॉर्म करें, क्योंकि अगर इन सामान के साथ आप आगे जाके पकड़े जाते हैं तो बहुत सख्त सज़ा है। तो आप सब लोगों को इन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। नगर पार्कर जब हम पहुँचे तो यहाँ से हमारा आगे का सफ़र जो था वो था चूरियो दुर्गा मंदिर, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इंडिया का जो है वो बॉर्डर है और इस मंदिर पे जाना था हमने। और यहाँ से जो है आप जो है पहाड़ पे चढ़कर जो बॉर्डर है उसका व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वैसे तो हम बाइकों पे जा सकते क्योंकि ये, लेकिन इस वक्त अब बारिश का सीज़न चल रहा था, पूरे थर में बारिश हुई हुई थी और रास्ते से नहीं, क्योंकि यहाँ पे गूगल भी काम नहीं करता। गूगल जो है अगर आप जाएंगे तो वो काम नहीं करता। तो बाइक्स पे जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें रेंजर्स वालों ने भी गाइड यही किया कि आप बाइक्स यहाँ पार्क कर दें और जीप्स हायर कर लें और जीप्स पर चले जाएँ, और जीप्स जो हैं वो आपको वहाँ तक पहुँचा भी देंगी और वहाँ से वापस लेकर भी आ जाएंगी। तो जीप्स हमने हायर कर ली। जीप्स नॉर्मली अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो 3,000 से 5,000 रुपये तक, जैसी आपकी बार्गेनिंग है आपको अप डाउन ट्रिप मिल जाता है। तो यहाँ हमें एक होटल मिल गया जहाँ हमने अपने खाने का ऑर्डर कर दिया कि हम वापस आके खाना खाएंगे, और उसके बाद हमने उसी होटल के बैकयार्ड में अपनी बाइक्स को पार्क किया, अपनी चीज़ों को सेव किया और जीप में बैठ के यहाँ से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचरस सफ़र शुरू होता है चूरियो दुर्गा मंदिर, माता का मंदिर जो है वहाँ तक का।
सेक्टर पार्कर शहर से चूरियो मंदिर का फासला कुछ ज़्यादा नहीं 32 किलोमीटर है, यानी कि अगर आप जीप से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो 32 किलोमीटर है, जो अंदाजन अगर वैसे सीधा रोड हो तो आधे घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र नहीं है। लेकिन ये सफ़र क्योंकि हमवार नहीं है, रास्ते मौजूद नहीं हैं बिल्कुल, और ऊपर से बारिश के बाद जो है वो रास्ते जो थे वो भी डिसअपेयर हो गए हैं, तो ये सफ़र काफ़ी लंबा लगता है। ऊपर से जब आप जीप्स के अंदर बैठते हैं तो ये सफ़र वैसे ही आपको एक थका देने वाला सफ़र है। जो ड्राइवर्स होते हैं या जो आपको लेके जा रहे होते हैं वो तो इन रास्तों से इतने ज़्यादा रोशनास होते हैं या उन्हें पता होता है कि वो आँख बंद करके भी आपको ले जाएं, और इतनी हाई स्पीड पे चला रहे होते हैं कि कुछ देर में आपको लगता है कि आपकी जीप जो है वो ज़मीन पे नहीं बल्कि हवा में चल रही है, इतनी ज़्यादा रफ़ ड्राइविंग होती है। हमारे साथ जो ड्राइवर था उसकी उम्र 14 साल थी, किशोर नाम था उसका, और जनाब उसने कहा कि वो पिछले 4 साल से ये ड्राइविंग कर रहा है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 10 साल से ये लड़का ड्राइविंग कर रहा है। इतना परफेक्ट ड्राइवर और इस तरह की गाड़ी को इस तरह के रास्तों पे ले जाना ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एनीवे हमारा सफ़र इस वक्त जारी है, दिल गुर्दे फेफड़े सब अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, जितने हिचकोले हम खा रहे हैं, हम दुआ ये कर रहे थे कि काश हम अपनी बाइकों पर ही आ जाते, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे जो लीडर थे या जो हमें इस वक्त लीड कर रहे थे उनका सजेशन परफेक्ट था, क्योंकि अगर बाइकों में आते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बाइकों का इस वक्त मड में फंसने का ख़तरा था, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आपको मैंने इन्फॉर्म किया कि गूगल काम नहीं करता, तो जब गूगल काम नहीं करता तो रास्ते आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने जाना क्या है। और फिर जो सफ़र है वो कोई मार्किंग नहीं है, छोटे छोटे गांव आते हैं, छोटे छोटे देहात आते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये आपको परफेक्टली लेके जाते हैं और परफेक्टली वापस लेके आते हैं। तो चले जी, अब हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसको हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन इस टूर की कहेंगे, चूरियो मंदिर पे पहुंचते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं कि चूरियो मंदिर क्या है और वहां से पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर हम कैसे देख सकते हैं। कहते हैं कि थर में मोर किस्मत वालों को नजर आते हैं, और अगर नजर आ जाए तो उनको शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अयाज भाई निकले चीते, उन्होंने एक चलती गाड़ी से मोर को कैप्चर कर लिया और गाड़ी रुकवा दी। तो ये सिचुएशन किस तरह से कैसे हुई, चले आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, फाइनली आफ्टर अ ख़तरनाक जीप की राइड जो कि हमने नगर से ली, क्योंकि वहाँ से जो हमारे रेंजर्स वाले उन्होंने भी मना कर दिया था कि बाइक्स लेके ना जाया जाए, क्योंकि बारिशें हुई हैं और उसकी वजह से जो है ना वो रोड साजगार नहीं है।
तो हमने दो जीपें ली हैं, और क्योंकि हम लोग तकरीबन 13 अफराद हैं और 10 बाइक हैं, तो दो जीपें ली हैं, और इस दो जीपों में हम ये एक मंदिर में आए हैं, चूनिया मंदिर कहते हैं या कुछ स्पेसिफिक। अभी जो कंडीशन अगर आप मेरी बैक साइड पे देखें तो पूरी टीम जो है ना वो सुस्ता रही है, ठीक है। अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे पहुँचने के बाद सोलर के ज़रिए फ्रिज चल रहे हैं और ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, और लेकिन यकीन करें इतना जो है वो बाइक राइड ने नहीं थकाया है कि जितना जो है हमें इन जीपों ने थका दिया। रास्ता बहुत अजीब सा था, तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे इसका विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ आपके देखने के लिए, एंड देन यहाँ से दोबारा नगर, नगर से मिट्टी, और देखें फिर नाइट स्टे या कराची की तरफ नाइट राइड है। तो चलें लेट्स गो और चेक करते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इस मंदिर के अंदर। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त टीम की कंडीशन क्या है। ये हमारी एक जीप थी और सेकेंड जीप वहाँ पर है, और यहाँ पर ये सब सुस्ता रहे हैं पूरी टीम, एवरीवन इज हैविंग। सबकी हालत खराब, चूरियो जबल दुर्गा माता मंदिर चूरियो पहाड़ पर वाकई है। ये एक बहुत कदीमी मंदिर है और यहाँ हर साल शिव यात्री पर 2 लाख से जायद हिंदू यात्री विजिट करते हैं। लफ्ज चूरियो सिंधी जबान के लफ्ज चूड़ी से निकला है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास आबाद गांव के बहुत सी खवातीन रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाती हैं, जो यहाँ के करीबी बाजारों में फरोख्त होती हैं, और इस पहाड़ के दिल फरेब रंग बिरंगी रंग की वजह से इसका नाम भी चूरियो जबल पड़ गया। दरअसल इस पहाड़ का ये रंग इसमें मौजूद बेहतरीन क्वालिटी की ग्रेनाइट है। इस जबल के ऊपर से हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर को बहुत करीब से देख सकते हैं। ये है आपका बॉर्डर, जो फेंसेस नज़र आ रही हैं बीच में, उसके अक्रॉस इंडिया है, और इस वक्त हम यहाँ पाकिस्तान में हैं। Woo!
मैं दरवाजा खुल गया कैसा लग रहा है दरवाजा खुल गया आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताएं जबरदस्त बस थी दरख्त की छांव में बैठे हुए लंच कम fight never quit do it right play the game win it life have no shame there's no time for the pain let the grind I could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win at life I never miss that fact taking big swings each hand in the bat put me in the ring you'll go out in a bag cause I sing what I mean and I bring it to the mad light.